जनपद पंचायत भटियागढ़ प्रांगण में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित। गणतंत्र दिवस को लेकर आज सुबह से ही लोगों में उत्साह है। भटियागढ़ जनपद पंचायत में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि श्रीमती गेंदाबाई श्रीमती रानू जैन सीईओ भटियागढ़ के द्वारा ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। इस अवसर पर श्रीमती रामरानी शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि संदीप पाठक, जनपद उपाध्यक्ष भगत पटेल, राम अवतार कुड़ेरिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पीएल चौरसिया, शिक्षक एपीओ चौबे, रवि तिवारी लोक सेवा कार्यालय भटियागढ़, डीएस चौधरी बीआरसी भटियागढ़, समीर खान उपयंत्री, हुसैन खान उपयंत्री, आलोक करे, सुरेंद्र बाबू एवं जनपद पंचायत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अब तक 4,813 करोड़ रुपए की लागत से 45,80,000 घरों में नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन मंडित वर्ष 2021-22 में 3,071 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करीब 1,15,00,000 पांच परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 25,000 से अधिक राशन दुकानों से 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न थैले में देने का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्रदाय हेतु प्रतिवर्ष 7,841 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के हितों में हितों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वर्तमान सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।